Hey friends, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are okay. So guys, ये इस ड्रामे का एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 6 है. इसमें एपिसोड 7 को एक्सप्लेन किया है. अगर अभी तक आप लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देख लीजिए सो देट आपको कहानी अच्छे से समझ में आए. अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए और जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए. अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए. एंड ऑल्सो मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है. और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. नाउ लेट्स स्टार्ट वीडियो. एपिसोड की स्टार्टिंग में जब श्याओशी डूब रही थी तब फेंग उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और उसे बचाकर पानी से बाहर ले आता है. उसके बाद फेंग श्याओशी के पैर देखता है और कहता है, तुम्हें पानी में जाने की क्या ज़रूरत थी, कुछ हो जाता तो. लेकिन श्याओशी भागकर फ़ोन के पास जाती है और कहती है, भीगने के बाद भी मेकअप नहीं गया, आपको पता ही चल गया होगा कि मेकअप कितना अच्छा है. फेंग उसे रोकता है और कहता है, तुमने बहुत काम कर लिया है, अभी तुम आराम करो. लेकिन श्याओशी कहती है, अगर मैं अभी रुक गई तो सारा मेहनत वेस्ट हो जाएगा. और वो जिम में जाके फिर से लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देती है और सुबह से एक्सरसाइज करते करते उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई होती है. लेकिन वो गिव अप नहीं करती. फेंग उसे जब इस तरह देखता है वो कहता है, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा. और लाइव स्ट्रीमिंग में आके सबसे कहता है कि हम दोनों साथ में वर्कआउट करेंगे. और जब अब फेंग उसकी हर चीज़ में हेल्प करने लगता है. जब श्याओशी सिटअप कर रही होती है फेंग तब भी उसकी मदद कर रहा था. और बार बार श्याओशी के फेंग के क्लोज हो रहे होते हुए फेंग की दिल में कुछ होने लगता है और वो सिर्फ उसे देख रहा होता है. और एक्सरसाइज करते करते श्याओशी ज़्यादा थक जाती है, तब वो गिरने ही वाली होती है और गिरते गिरते वो फेंग को भी खींच लेती है जिससे वो सीधे श्याओशी के ऊपर गिरता है. लाइव स्ट्रीमिंग पर सभी लोग ये देखकर मज़ा ले रहे थे. फेंग के कंपनी के लोग भी ये देख रहे थे और हांग भी ये देखते कहता है, हर कपल को मिलाने के पीछे कोई मैच मेकर जरूर होता है जिससे हमें पता चलता है कि वो जो मैच मेकर का मैसेज श्याओशी को आया था वो हांग ने ही किया था उसकी हेल्प करने के लिए. दूसरी तरफ फेंग रियलाइज़ करता है कि श्याओशी उसे टच कर रही है जिससे वो खड़ा हो जाता है. श्याओशी व्यूअर्स से मेकअप की तारीफ़ करती है जिससे फेंग भी स्माइल करता है और वो कहता है वो इससे भी अच्छा प्रोडक्ट डेवलप करेगा. श्याओशी नोटिस करती है कि कमेंट में सभी फेंग की तारीफ कर रहे हैं लेकिन मेकअप के बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा होता है जिससे फेंग स्माइल करता है और श्याओशी के गर्ल को टच करते हुए कहता है, क्योंकि हमारा मेकअप बेस्ट है. श्याओशी इससे सरप्राइज होती है. नेक्स्ट सीन में फेंग मेडिसिन लेके श्याओशी के पास जाता है और उसके पैर में मेडिसिन लगाता है और कहता है कि वो बहुत ही रेकलेस है. तब श्याओशी कहती है कि तुम्हें मेरे काम पसंद नहीं आया है तो सीधा बोलो. तब फेंग बोलता है, तुम घर जाके रेस्ट करो क्योंकि तुम कल से यहाँ परमानेंट जॉब करने वाली हो, जिससे श्याओशी बहुत ही खुश होती है और वो फेंग का हाथ पकड़ के कूदने लगती है. फेंग कहता है, आज तुमने अच्छा काम किया है सो मैं आज तुम्हें डिनर में ले जाऊंगा. और वो वहां से जाने लगता है. तब श्याओशी अपने स्टाइल में उसे थैंक यू कहती है. नेक्स्ट सीन में दोनों साथ ही अपने घर जाते हैं. श्याओशी फेंग के घर के अंदर जाने लगती है तब फेंग मना कर देता है. तब श्याओशी कहती है, मेरे घर में कोई नहीं है. तभी श्याओशी और फेंग देखते हैं कि श्याबो और ली आ रहे होते हैं और ली श्याबो को डिनर के लिए इनवाइट करता है और पैसा मांगने के लिए फेंग को कॉल करता है और कहता है कि वो बहुत बीमार है. तभी फेंग पीछे से उसे चिल्लाकर बोलता है, क्या पैसा तुम्हें अभी चाहिए. तब ली फेंग को देख के शॉक होता है. नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फेंग ली को झूठ बोलने के लिए पनिश करता है. ली फेंग से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, भाई मुझे आपको सब बता देना चाहिए था. फेंग कहता है, मैं तुम्हारे ड्रीम को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि तुम एक पेंटर बनना चाहते हो.
और तुम फालतू के रिलेशनशिप पर हो। ये सुनकर शावशी बोलती है, तुम भले ये बात कैसे कह सकते हो, क्या पता ये दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हो। तभी ली नोटिस करता है कि उसने शावशी को रिसोर्ट में भी देखा था और वो पूछता है, तुम कौन हो। तब शावशी कहती है, मैं शाबू की फ्रेंड हूँ। तब ली कहता है, आज तक मुझे ये बात कैसे पता नहीं चला हो। दोनों डरते हैं कि फेंग और ली को उनका प्लान पता ना चल जाए। तभी ली कहता है, शायद तुम दोनों बोलना भूल गए होंगे। ली को लगता है फेंग और शावशी भी कपल है। फेंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तब शाबो कहती है, ऐसा ही है, ये दोनों कपल ही है, इसलिए तो ये दोनों हमेशा साथ में ही रहते हैं। तब फेंग ली को वहाँ से लेकर चला जाता है और कार में उसे समझाता है कि तुम्हें डेटिंग करना है तो करो, लेकिन अपने ड्रीम से फोकस मत हटाना, जिससे ली खुश होता है और उसे हग करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शावशी और शाबाओ को लगता है शावशी के आज के काम से फेंग खुश होकर उसे सेक्रेटरी बना देगा, जिससे वो फेंग के क्लोज रहेगी और हार्मोन कलेक्ट कर पाएगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। फेंग आकर शावशी को नॉर्मल काम देकर अपने केबिन में चला जाता है। डिसअपॉइंट होकर शावशी हंग के पास जाती है, जो अपने ही काम के लोड से बहुत परेशान था। यह देखकर शावशी उसकी हेल्प करने का डिसाइड करती है। नेक्स्ट सीन में फेंग देखता है ऑफिस से सब लोग काम करके जा चुके हैं, सिर्फ शावशी अकेले काम कर रही है। फेंग उसे घर छोड़ने का कहता है, लेकिन शावशी कहती है अभी उसे और काम करना है, जिससे फेंग इम्प्रेस होकर वहाँ से चला जाता है और साइड में जाकर शावशी को देखता है। तभी हांग आ जाता है, जिसे देखकर फेंग वहाँ से चला जाता है। हांग समझ जाता है फेंग शावशी को देख रहा था। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मीटिंग में फेंग पूछता है कि हमारी कंपटीटर कंपनी हमसे आगे क्यों जा रही है। तब शावशी प्रेजेंटेशन देती है और बताती है कि हमारी कंपटी और कंपटीटर कंपनी में क्या फ़र्क है और उसे इम्प्रूव कैसे करना चाहिए। और वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने को कहती है जो उनके कंपनी का सिग्नेचर प्रोडक्ट होगा। हांग कहता है फेंग ने मैनेजर से प्रेजेंटेशन देने कहा था। तब शावशी एम्ब्रेस होकर अपने सीट में बैठ जाती है, लेकिन सभी लोग उसके बात से एग्री करते हैं और वो डिसाइड करते हैं रिसर्च डिपार्टमेंट बनाने का। दूसरी तरफ अंकल कैंग ये सब बातें हांग को बता देते हैं। तब हांग कहती है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर शाओ इतना फाइनेंस नहीं देंगे। नेक्स्ट सीन में फेंग और हांग शाओ से मिलने जाते हैं, लेकिन शाओ उनसे नहीं मिलता है। तब फेंग हांग से पूछता है, क्या शाओ आज रात की पार्टी में आ रहे हैं, जिसके लिए हांग हाँ कहते हैं। दूसरी तरफ ऑफिस के कुछ एम्प्लॉय शावशी से पूछते हैं कि क्या फेंग ने तुम्हें पार्टी में इनवाइट किया है। तभी फेंग वहाँ आता है, जिससे वो एम्प्लॉय वहाँ से चले जाते हैं। फेंग शावशी को बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स देता है स्टडी करने के लिए। घर जाके शावशी वो डॉक्यूमेंट स्टडी करती है। शाबो शावशी को इतना काम करते हुए देखकर सैड होती है। शाबो तभी एक बॉक्स ओपन करती है तो उसमें से एक ड्रेस और हील निकलता है, जिसे वो शॉक होते हैं। उन्हें एक नोट भी मिलता है फेंग का, जिसमें शावशी को रेडी होकर 8 बजे नीचे आने को कहा है, जिसे देख के शाबो खुश होती है, लेकिन शावशी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। बाहर फेंग शावशी का वेट कर रहा था। हान कहता है, नोट पर लिखकर मुझे भी इनवाइट करते तो मैं भी नहीं आता। तभी फेंग देखता है कि शावशी वही ड्रेस और हील पहनकर आ रही है और वो बहुत प्रीति लग रही है, जिससे फेंग उसे देखता ही रह जाता है। जब शावशी आ रही होती है तब वो गिरने लगती है। तभी फेंग उसे पकड़ लेता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर हम उन दोनों की रोमांटिक मूवमेंट को देखते हैं। शावशी फेंग से पूछती है, क्या मैं प्रीति लग रही हूँ। तब फेंग उसे उसके पैर से हील हटाने को कहता है और वो साइड में होती है। उसके बाद वो दोनों कार में थे और एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे, जिससे हांग फेंग से कहता है, क्या आपको शावशी से कुछ कहना है। तब शावशी फेंग की तरफ देखती है। फेंग कहता है, पार्टी में ट्रबल क्रिएट मत करना। तब शावशी कहती है, ऐसा ही लग रहा था तो तुम मुझे अपने साथ क्यों लेकर आए हो। फेंग कहता है, वो तुम्हें पार्टी में समझ आ जाएगा।
उसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ श्यावशी खाना खा रही थी, तभी कुछ लड़कियाँ फैंग के पास आकर उसे डेट करने की बात पूछते हैं। तभी श्यावशी फैंग के पास जाकर कहती है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, जिससे वो लड़कियाँ वहाँ से चली जाती है। श्यावशी समझ जाती है पार्टी में लड़कियाँ फैंग को परेशान ना करे, इसलिए फैंग श्यावशी को अपने साथ लेकर आया है। उसके बाद फैंग को डायरेक्टर श्याव दिखते हैं और वो उनके पास जाता है और पूछता है कि आप मीटिंग क्यों अवॉइड कर रहे हैं। तब श्याव कहता है, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हम रिसर्च डिपार्टमेंट में अभी पैसा नहीं लगा पाएंगे, और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक वेट्रेस से मैंग फी नाम की लड़की के हिल में ड्रिंक गिर जाती है। मैंग फी तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन उसकी फ्रेंड नाना उसे वेट्रेस को बहुत बुरा भला कहती है। श्यावशी भी वह सब देख रही थी और वो वहाँ आकर कहती है कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं, और वेट्रेस को वहाँ से जाने को कहती है। नाना कहती है, तुम कौन हो बीच में बोलने वाली? श्यावशी कहती है, मैं तुमसे थोड़े ना बात कर रही हूँ। नाना श्यावशी के हील्स को देखकर कहती है, तुम फेक हील्स पहनकर पार्टी में आई हो। तब श्यावशी कहती है, फैंग मुझे क्यों फेक हील्स देगा? फैंग का नाम सुन के मैंग फी कहती है, क्या तुम्हें फैंग ने ये हिल्स दिए हैं? श्यावशी हाँ बोलती है। मैंग फी पूछती है, फैंग के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? श्यावशी कहती है, मैं उसकी कलीग हूँ। उसके बाद भी नाना श्यावशी की इंसल्ट करती है और उसे पुश कर देती है, जिससे श्यावशी अपने पावर का यूज़ करके उसे हिचकियाँ आने लगाती है। मैंग फी कहती है, नाना तुम्हें क्या हुआ? श्यावशी कहती है, ये ज़्यादा ही बोलती है, इसलिए इसके साथ ये हो रहा है। जो सुन के नाना उसे पुश कर देती है। श्यावशी गिरने ही वाली थी, लेकिन एक लड़का आकर उसे पकड़ लेता है, और यह लड़का कौन है हमें जल्द ही पता चल जाएगा। श्यावशी पूछती है, क्या हम पहले मिले हैं? लड़का मना करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद श्यावशी फैंग को अकेले देखकर उसके पास जाती है और पूछती है, क्या मिस्टर शाओ मान गए हैं? फैंग ना बोलता है। श्यावशी नोटिस करती है उसकी इयररिंग भी मिसिंग है। तभी मिस्टर शाओ स्टेज पर आकर मेकअप लाइन की न्यू स्पोक पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो उनकी नीस थी मैंग फी। ये देखकर श्यावशी समझ जाती है कि उसकी वजह से फैंग को प्रॉब्लम होने वाली है। तभी वहाँ नाना आकर श्यावशी की इंसल्ट करने लगती है, और तब श्यावशी अपने पावर का यूज़ करके अपने कान बंद कर लेती है, जिससे वो कुछ ना बोले। नाना कहती है कि क्या ये हिल्स आपने दिलाए हैं फैंग को? फैंग श्यावशी को आंसर नहीं देते हुए देखकर श्यावशी को अपने पास खींचता है। तब श्यावशी अपने ये कान ओपन करती है। तब फैंग नाना से कहता है, श्यावशी को हिल्स मैंने ही दिए है। ये सुन के नाना शॉक होती है और फैंग श्यावशी को लेकर वहाँ से चला जाता है। नाना ये बात मैंग को बताती है। बाहर जब श्यावशी और फैंग चीरी से उतर रहे थे, तब श्यावशी का पैर मुड़ जाता है, जिससे फैंग उसे साइड में खड़ा करता है और केयरफुल रहने को कहता है। फैंग श्यावशी से कहता है, वैसे तो तुम बहुत बोलती हो, आज अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? तब श्यावशी कहती है, मुझे डर था कि मैं मिस्टर शाओ को एब्सेंट ना कर दूँ। ये सुनकर फैंग चुप हो जाता है और उसे घर जाने को कहता है, लेकिन जब वो देखता है श्यावशी नहीं चल पा रही है, फैंग उसे गोद पर उठा लेता है। यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सरांगे।